वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पहचान शुरुआती दिनों में ही कर ली जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। अक्सर बुखार और सर्दी जुखाम होने पर कोरोना की जांच लोग करवाते हैं, लेकिन कई मामलों में ये साबित हो चुका है कि बुखार न होने पर भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आइए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में जो शरीर में दिखते ही लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुखाम और बुखार के अलावा ये लक्षण सबसे बड़े हैं। हल्की लाल आंखें। चीन में हुई एक शोध में ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन में इंसान की आंखें लाल या फिर गुलाबी हो सकती हैं। आंखों में लालपन के अलावा सूजन और आंख से पानी आने की शिकायत हो सकती है। लगातार खांसी आना। लगातार खांसी होना भी कोरोना वायरस के संक्रमण की पहचान है। हालांकि अक्सर लोगों को अन्य वजहों से भी लगातार खांसी आती है, लेकिन अगर आपकी खांसी बंद नहीं हो रही है तो आपको इसे कोरोना वायरस का लक्षण समझना चाहिए और उसी के अनुरूप इलाज शुरू कर देना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ऑक्सीमीटर पर ब्लड ऑक्सीजन की जांच करें और इसके 94 से नीचे पाए जाने पर डॉक्टर से संपर्क करें। स्वाद और गंध का गायब होना। ये लक्षण कोरोना वायरस का सबसे शुरुआती लक्षण है, लेकिन अगर ये लक्षण आपको नजर आए तो आप सावधान हो जाइए और कोरोना की जांच तुरंत करवाएं। थकावट या मांसपेशियों में दर्द। अगर आप पहले के मुकाबले ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, वो भी तब जब आप पहले की अपेक्षा कम काम कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए और अपनी कोरोना की जांच करवाइए। हालांकि थकान के अन्य कारण भी हो सकते हैं। अगर आपकी मांसपेशियों या फिर जोड़ों में दर्द की समस्या आ रही है तो भी आपको कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। गले में खराश होना। गले में खराश होना ये सर्दी और जुकाम के वक्त भी अक्सर होता है, इसीलिए इसकी पहचान करना कि ये कोरोना का लक्षण है या नहीं थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए थोड़ी सी भी आशंका होने पर तुरंत कोरोना की जांच करवा लें। जी मचलाना। जी मचलाना वैसे तो अक्सर अन्य कारणों से भी होता है, जैसे ज़्यादा खा लेना, मन साफ ना होना, पेट खराब होना, लेकिन अगर ये समस्या आपको ज़्यादा परेशान कर रही है तो कोविड की जाँच कराएं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।